पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आप कुछ कह रहे हैं? अभी 30 नवंबर को माननीय राजा भैया के केंद्रीय विधायक के रूप में 25 साल पूरे हुए थे, जिसपे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था समर्थकों द्वारा, और लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचे अपने संसाधनों से और ऐतिहासिक रैली हुई। तो जिन कार्यकर्ताओं ने उस रैली में सहयोग किया है, अपने तनबंधन से लोग गए हैं वहाँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए MLC माननीय अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हम लोग निकले हुए हैं पूरे प्रदेश के दौरे पर, और रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम दौर में है, और सदस्यता अभियान भी हमारा शुरू होगा, तो जिसके लिए प्रभारी बनाए जाएंगे, तो उस संबंध में कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान के बारे में भी चर्चा की जा रही है, जिससे कि संगठन बना करके और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी लोकतांत्रिक पूरे प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी, और उसका असर हमारे जो पड़ेगा, जो हमने नीतियाँ हमारी घोषित की हैं माननीय राष्ट्रीय जी ने, राजा भैया ने, उस नीतियों का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और थी, जैसे राजा भैया की प्रदेश में छवि रही है तो एक दबंग नेता की छवि रही है, कहीं लोकसभा चुनाव में उसका फर्क तो नहीं पड़ेगा, कहीं बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएगा उसका? देखिए, जो आदमी, जो नेता 1 लाख वोटों से जीतता हो, 100 लाख वोटों से जीतता हो, पिछले 25 साल से निर्दलीय विधायक होता हो और 10-5 हजार वोट से नहीं जीतता, लाखों वोट से जीतता हो, तो इसके साथ 1 लाख जनसमर्थन हो तो उसके बावजूद तो उसके पास होगा ही। 1 लाख बुझाए जिसके व्यक्तियों के 2 लाख बुझाए जिसके साथ हो लीड के रूप में, तो कमजोर हो नहीं सकता। कमजोर आदमी तो 1500 जीतते हैं चुनाव, तो 2 लाख बुझाए जिनके साथ में तो बाहुबल तो होगा ही। और जब हमारा बाहुबल गरीब जनता के रक्षा के लिए, उनके लाभकारी, उनको क्या कहते हैं, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, हम ताकत का इस्तेमाल, ताकत हमारे पास है, जनता की ताकत है, हमारे पास हथियार की ताकत नहीं, जनता की ताकत। लोकतंत्र में जिसके पास जनता होती है वही बाहुबली, और जिसके पास ताकत जनता की नहीं कमजोर है। तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपने बाहुबल का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए करते हैं, किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं करते। और हमारे क्षेत्र में माननीय राजा भैया के क्षेत्र में वो तमाम समस्याएं जो पुलिस अदालत नहीं तय कर पाती, उनको उनके यहाँ पंचायत तय किया जाता है और जनता उसको स्वीकार करती है, क्योंकि उसमें न्याय होता है। वो चाहे हमारा समर्थक हो चाहे विरोधी हो, जो भी दरबार में आता है उनकी सेवा में अप्लीकेशन लेके आता है, सुनी जाती है, और जो भी न्याय होगा, चाहे हमारा समर्थक गलत कर रहा है तो उसको पीछे हटना पड़ता है। तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल न्याय के लिए, समाज सेवा के लिए, गरीबों कल्याण के लिए, और पिछले 25 साल से हजारों की संख्या में शादियाँ कराई हैं गरीबों की, लाखों लोगों का ऑपरेशन कराया आपका, और पर डे राजा भैया मंत्री थे, जब भी मंत्री रहे, हर सरकार मंत्री रहे करीब करीब, उनका जो सरकारी आवास होता है उसमें रहते नहीं, क्योंकि भगवान के दिया हुआ कोठी उनकी कुल लखनऊ में है, उसमें रहते हैं, और उस सरकारी आवास में केवल मरीजों के तीमारदार रहते हैं, वहाँ दो एम्बुलेंस रहती है, 5-5 लोग रहते हैं, खाना बनता है सबका, उनका निःशुल्क इलाज कराया जाता है क्षेत्र के सभी गरीब का, गंभीर से गंभीर बीमारी का मतलब पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूरे सीटों पर लड़ेंगे और मजबूती से, और जो भी दल हमारी नीतियों से समर्थन करते हो वो हमारे इसके साथ तालमेल कर सकते हैं। जैसे आप अभी घूम रहे हैं, क्या एजेंडा आपने एकदम तुरंत, जो पहला एजेंडा जो आपने बताया? हमारा ये एजेंडा साफ साफ है कि हम समानता के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हर दल बोलता है कि मैं सबको लेकर चलने की बात करता हूँ, अभी वर्तमान सरकार भी सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ नहीं, 15% 20% दलितों के लिए उन्होंने 85% को सूली चढ़ा दिया। संविधान कहता है, मौलिक अधिकार हमारा कहता है कि हमारे खिलाफ कोई आरोप लगे तो उसकी जांच की जाए, तब उसको जेल भेजा जाए, लेकिन हरियाणा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पहले जांच कर लो, उसके बाद आप जेल भेजो, कार्रवाई करो। तो जांच का मतलब ये नहीं कि जांच 1 साल चलती है, जांच आप 24 घंटे कर सकते हैं, जांच आप 12 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, FIR आवे हरियाणा की, आप जाइए जाँच करिए, अगर मामला सही है जेल भेजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, आपने अध्यादेश पलट दिया, हर मामले में आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया आपने, आपने वही किया जो सवालों प्रकरण में कांग्रेस ने किया था।